इनाम के कई फायदे हैं जिनके विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन बीडिंग एवं प्राइस डिस्कवरी होती है। दूसरा, इंटीग्रेटेड वे स्केल से उपज की नाप तौल सही प्रकार से होती है। फसलों की एडवांस्ड मशीनों द्वारा क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है, फिर किसानों के खाते में सीधे ई भुगतान की सुविधा दी गई है। फिर सबसे बड़ी बात है कि देश की अन्य मंडियों के किसानों एवं व्यापारियों से भी आप जुड़ जाते हैं और उनके साथ व्यापार कर सकते हैं। कोविड लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 415 नई ई नाम मंडियों का एकीकरण किया गया, जिससे अब कुल जुड़ी हुई मंडियों की संख्या 1000 हो गई है। कोविड लॉकडाउन के दौरान ई नाम प्लेटफॉर्म में कई नए फीचर्स लॉन्च किए गए, जैसे कि FPO मॉड्यूल, मौसम पूर्वानुमान मॉड्यूल, जिसके द्वारा भारतीय मौसम विभाग से मौसम की जानकारी सीधे किसानों को प्राप्त हो सकती है। ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया को और तेज और सुगम करने के लिए 5 नए बैंकों को जोड़ा गया है। अगमार्केट, किसान सुविधा और उमंग जैसे भारत सरकार के महत्वपूर्ण ई पोर्टल के साथ ई नाम को जोड़ा गया है। आने वाले समय में हम ई नाम को आपके लिए और भी अधिक उपयोगी बना रहे हैं। जैसे कि भारत सरकार 1000 और मंडियों को जोड़ने की योजना पर काम कर रही है, इससे ई नाम के लाभार्थी अन्य प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, क्वालिटी एसेसिंग सर्विसेज, फिनटेक आदि द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। नमस्कार, मैं नीलकमल दरबारी, मैनेजिंग डायरेक्टर SFAC भारत सरकार। आज दिनांक 14/4/2022 को ई नाम की 6वीं वर्षगांठ मनाते समय समस्त किसान भाइयों एवं बहनों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, उसके लिए मैं SFAC की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ एवं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार से सक्रिय भागीदारी देते हुए इस कार्यक्रम को नए आयाम हासिल करने में अपना योगदान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। आइए अपने क्षेत्र की ई नाम मंडी से जुड़े एवं बेहतर भविष्य की ओर मुड़े।